भागलपुर के मुंदीचक मोहल्ले के लक्ष्मी जनरल स्टोर से राशन कार्ड के नाम पर अवैध उगाही की जानकारी मिलते ही भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा मुंदीचक पहुंचे और दुकान से कई वाट के राशन कार्ड वितरित किए जाने पर जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान उप महापौर ने उनके वार्ड में वितरित किए जाने वाले दर्जन कार्ड को भी जब्त किया। वार्ड 37 में विकास मित्र बबीता देवी ने बताया कि लक्ष्मी जनरल स्टोर उनके पति की दुकान है और अनुमंडल के पदाधिकारी के द्वारा उन्हें वार्ड 36, 37 और 38 के लाभुकों के बीच राशन कार्ड बांटे जाने का दिशा निर्देश दिया गया था और इस दौरान लाभुकों के द्वारा खुशी से राशन कार्ड के नाम पर 20 से 30 रुपया उन्हें दिया जा रहा था, जबकि सरकार के द्वारा प्रत्येक राशन कार्ड पर 2 रुपये लिए जाने की बात कही है। वहीं मार्केटिंग अफसर ने कोरोना से संक्रमण काल में जिला प्रशासन के द्वारा कार्ड के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिए जाने के बात कहते हुए बांटने के लिए दिए हुए 132 में से 126 कार्ड वापस कर दिए जाने की बात कही। वहीं सदर अनुमंडल अधिकारी आशीष नारायण ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषी पाए जाने पर दोषी की कार्रवाई करने की बात कही है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी जो है वार्ड काउंसिलर जनप्रतिनिधि के ऊपर विश्वास नहीं, जिला प्रशासन को, लेकिन यहाँ से ये लोग राशन कार्ड जो है यहाँ से निर्गत किया जा रहा है रजिस्टर से, जिसमें वार्ड नंबर 35, 36, 37 और 38 का वार्ड के लोगों का राशन कार्ड इनके पास लगा। अब ये बताइए कि वार्ड के लोग, वार्ड की जनता जो है वो राशन कार्ड के लिए कभी पार्षद, कभी नगर निगम, कभी अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ दौड़ लगा रही है कि हमारा राशन कार्ड जो है हमको नहीं मिल रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से किसी भी जनप्रतिनिधि को राशन कार्ड नहीं दिया गया अपने वार्ड में बांटने के लिए। उनका कहना था कि हम लोग आपके घर पर जो है सारे जनता के घर पर भिजवाएंगे, और वास्तविकता यहाँ पर देखिए आप कि 100 से ज़्यादा राशन कार्ड इस दुकान में, यहाँ पर जो चापान की चाय की दुकान है वहाँ पर 100 से ज़्यादा राशन कार्ड जो है उपलब्ध है। 100 से ज़्यादा राशन कार्ड जिसमें वार्ड नंबर 35, 36, 37, 38 चारों के हैं। और अभी दीदी बोल रही हैं कि ये कार्ड परसों आया है, 10/8/2020, 10/8/2020 मतलब आप 18 दिन से इनके पास यहाँ पर है। वार्ड की जनता यहाँ पर आ रही है, ये लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा ले लेके राशन कार्ड दे रहे हैं। कोई पैसा ज़्यादा दे दे रहा है तो दूसरे का भी राशन कार्ड ये दे दे रहे हैं। बहुत सारे वार्ड के ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायत जब मुझ तक पहुंची कि हमारे राशन कार्ड को कोई दूसरा आदमी साइन करके ले गया, हमारा राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, तब मुझे यहाँ पर आना पड़ा मजबूरन और ये बताना पड़ा कि आखिर देख लीजिए कि भागलपुर जिला प्रशासन कितना तत्परता के साथ राशन कार्ड बांट रहा है और गरीबों के साथ कैसा खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। ये देखने की आवश्यकता है और जिला प्रशासन को जागने की आवश्यकता है कि किस तरीके से जो है आपके पदाधिकारी किस तरीके से राशन कार्ड कहाँ कहाँ से बंटवाने का काम कर रहे हैं और बंटवाने का जरिया क्या है वो भी आपके सामने स्पष्ट है। क्या लगता है इसमें? लगता क्या है, गरीब जनता है तो वो भूख मरे, उससे क्या मतलब है? ये तो इसी प्रमाण को शो करता है ना। जिस आदमी के पास खाने के लिए नहीं है वही ना राशन कार्ड मांगता है या बनाने के लिए उम्मीद करता है। अब उसको जब 500 या 1000 रुपया देना है एक एक राशन कार्ड के लिए, और कहाँ देना है, ना अनुमंडल पदाधिकारी ना नगर निगम, ये आप देख लीजिए जगह, क्या ये सरकारी कार्यालय है क्या? यहाँ पर पान दुकान, बिस्किट दुकान और चाय दुकान में यदि राशन कार्ड उपलब्ध हो रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है, आप खुद सोच के बताइए। अनुमंडल से दिया गया बांटने जी, कौन दिए जो वहाँ बैठे हैं पदाधिकारी? क्यों दिया था बांटने के लिए? वार्ड में बांटने के लिए सर, वार्ड में बांटने के लिए दिया गया। सारे वार्ड का कार्ड दिया आपको? 36, 37 और 38 जी। क्या है जो आपको दे दिया था? वार्ड विकास मित्र हैं, वार्ड के 37 के। दुकान में इसको क्यों रखते हैं? मैंने घर है बगल में सर, हम सोचे यहाँ रख देते हैं, चल गए हाजिरी बनाने गए सर। तीनों वार्ड को आप ही को दे दिए? हाँ जी जी जी, तीनों वार्ड को। घर में नहीं है अब वो तो अनुमंडल है ना, पूछिएगा अनुमंडल से। कितना रुपया लेके आप दे रहे हो? कोई रुपया नहीं सर, ऐसा कोई रुपया नहीं सर। रुपया सर 2 रुपया लेने का है, खुशी से 2 रुपया। हम अपने हाथ से कहाँ लिए पैसा सर? तो आपके पति लिए हैं ना, बताइए कितना रुपया लिए आपके पति? कितना रुपया लिए बताइए, कितना रुपया लिए? 20 टका। हाँ 20-30 टका जो भी दिया होगा सर खुशी से, जो भी। कितने दिनों से आपके पास ये? बस परसों से है, परसों मात्र। देखिए एक हफ्ता पहले का है,
क्या नाम हुआ? क्यों नहीं बांट रहे? बांट ही रहे हैं सर, बांट ही रहे हैं। वार्ड अपना 37 का बांट के सोचे इसको जाएंगे, लेकिन अभी नहीं गए हैं। आज दो रोज पहले इनको गए थे जो वार्ड में। क्या नाम है? मेरा बबीता देवी। बबीता देवी 37 नंबर वार्ड के। जी सर, ये कार्ड एक दुकान में मिल रहा था, क्या सही था या गलत था सर? ये कार्ड जो है कि जिस दुकान में आपने देखा होगा, ये विकास मित्र के पति का दुकान है। और वहाँ पता किए जो है कि पता चला कि जो है कि वो रख करके जस्ट जो है कि अनुमंडल कार्यालय में जमा करने जा रहे थे, रख करके कहीं गए। फिर उसके बाद वो अनुमंडल में जमा करने के लिए गए। कार्ड विकास मित्र के द्वारा वितरण किया जा रहा है, जो शेष जो किसी किसी वार्ड में 10, किसी में 20, कभी 50, इस तरह से अब बचा हुआ है, जिसका ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। लोग जो है कि पता नहीं चल रहा है, पति का नाम किसी में नहीं है, किसी में जो है सिंगल यूनिट का नाम है लेडीज़ का तो नहीं, पर वही बचा हुआ है। तो कार्ड क्या सर पैसा लेके दिया जाना था? नहीं, इस बार जो है कि हम लोग के यहाँ आदेश दिए थे हमारे SDM सर कि जो है कि कार्ड का मूल्य 2 रुपया होता है, सरकारी जो होता है उसका, लेकिन इस बार जो है कि बिना मूल्य का ही वितरण करना है और बिना मूल्य का ही वितरण किया गया अभी तक। सरकारी मूल्य कार्ड का 2 रुपया होता है, लेकिन इस बार जो है कि हम लोग जितना भी कार्ड बना, अगर 50,000 इस मेरे अनुमंडल में कार्ड बना सदर अनुमंडल भागलपुर, और इसमें एक भी कार्ड का जो है कि मूल्य लेकर वितरण नहीं किया, विदाउट कास्ट वितरण किया गया। जैसे ये स्वयं कबूल किए कि 20 से 30 रुपया लिए थे, इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इसे पूछे जाने पर बता रही हैं कि नहीं, कोई खुशी से दे दिया जो 10-20 ले लिया, लेकिन ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत ही शुरू से ही चेतावनी दे दिया था, ये कार्ड में 1 रुपया किसी से न लेना है न देना है, कोई मतलब जिसका कार्ड है डोर टू डोर जा करके उसको पहुँचाने के लिए ही वितरण करने के लिए दिया गया। पूर्व में BLO को दिया था, द्वारा दिया गया, उनसे वितरण करने के बाद जो शेष बच गया फिर जो है कि विकास मित्र के द्वारा दिया गया है। दस बीस करके जैसे इन्होंने कबूल किए, तो अब किस तरह का इस पर कार्रवाई करी जाएगी या नहीं की जाएगी? इसमें कार्रवाई करने की बात अगर जहां तक होती है, तो अगर लिए हैं ये कबूल रही हैं तो इन पर कार्रवाई निश्चित करने के लिए बोला जाएगा आगे। किस तरह से होगी कार्रवाई? SDM सर के पास जो है कि ये बात को रखा जाएगा जो है कि हाँ ये इन्होंने कबूल की है कि जो है कि पैसा लिया गया है, 10-20 लिया गया, स्वेच्छा से दिया है, तो जो नहीं लेना चाहिए था। अब कितना कार्ड इनसे बरामद हुई है सर, आपने जांचा? बरामद वहाँ पर एक भी कार्ड नहीं हुआ है। हाँ, तो कार्ड जमा करने के लिए अनुमंडल कार्यालय आई हुई है और देखा गया तो कुल जोड़ने के बाद जो है कि 126 कार्ड जो है कि ये वापस करने के लिए आई है। कितना दिया गया था इनको सर? इनको कितना दिया गया था? 32 कार्ड इनको वितरण करने के लिए दिया गया था और 6 कार्ड इन्होंने वितरण किया है वार्ड 36 का ही वितरण हुआ ना, और बाकी 126 कार्ड वापस लाई है वितरण करने के लिए। 126 ना वापस हुआ, 126 कार्ड, 132 में से 6 कार्ड वितरण किया, 126 वापस लिए। परिचय दे दीजिए अपना। मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सब और सह पनन पदाधिकारी शहरी क्षेत्र वार्ड नंबर 13 से 51 सदर भागलपुर। ये चाय पान की दुकान में सर राशन कार्ड बरामद हुई, क्या है मामला सर? अभी कुछ राशन कार्ड जो वितरण के लिए बच गए थे और हाल में प्राप्त हुए हैं उनको वितरित करने के लिए दिया गया था, जिसमें से 132 राशन कार्ड एक विकास मित्र को दिया गया है जो वितरित करना था उनको, और जो शेष उनके पास बचे हुए राशन कार्ड थे जो वितरित थे वो उनको अनुमंडल कार्यालय में जमा करना था। जानकारी मिली कि उन्होंने 6 राशन कार्ड बांटे हैं और शेष 126 राशन कार्ड वो यहाँ जमा करने आ रही थी, और शायद उन्हीं के पति की दुकान है जिसपे उन्होंने उन राशन कार्डों को रख दिया था, और उसी की जाँच के लिए MOs की टीम बनाई गई है और भेजा गया है उन्हें जाँच की रिपोर्ट आने के बाद। सर, महिला ने अपने वो बताई है कि हाँ 20 से 30 रुपया पर कार्ड पर हम लिए, इसकी जांच करने के लिए भेजा गया है। जो 6 राशन कार्ड वितरित हुए हैं उनके लाभुकों से पूछताछ की जाएगी, अगर बाद में सत्यता पाई जाएगी तो करवाएंगे।